दिसंबर 2017 को श्री जाधव की माँ और पत्नी ने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये मुलाकात राजनयिक माध्यमों से तय कराई गई थी। ये भेंट आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम साबित हो सकती थी, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि इन दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हटकर इस मुलाकात का आयोजन किया गया। 22 महीने बाद एक माँ की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सबसे पहला, सभापति जी, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री जाधव की माँ और पत्नी के नज़दीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया, बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया, ताने उलाहने दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। दूसरा, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री जाधव की माँ जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया। उनकी पत्नी की बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए। यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, केवल पत्नी की नहीं, उनकी माँ के भी चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र उतरवा दिया गया। श्री जाधव की माँ अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से माँ और बेटे के लिए अपनी मातृभाषा में ही बात करना सुविधाजनक होता है, किंतु श्री जाधव की माँ को मराठी में बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीटिंग में साथ बैठी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया और जब वो अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि वो आगे बातचीत ना कर सके। सभापति जी, मुलाकात के बाद जो कार श्री जाधव के परिवार और भारतीय राजनयिक को ले जाने के लिए दी गई थी, उसे जानबूझकर रोककर रखा गया ताकि मीडिया को परेशान करने का एक और मौका मिल सके, वो और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर सकें और तरह तरह के कटाक्ष करके जाधव की माँ और पत्नी को तंग कर सकें।